पठान और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर जैसी फिल्में देने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान ने दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में दी। लेकिन उनकी एक 18 एक्टर्स के साथ मल्टी स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। वहीं कई दिग्गज कलाकार भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उठा नहीं पाए। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त पर अमिताभ बच्चन, जो फिल्म में लीड रोल निभाने वाले थे, उन्होंने भी अपनी राजनीति करियर के चलते फिल्म को छोड़ दिया। दरअसल ये फिल्म थी किंग अंकल, जिसमें जैकी श्रॉफ, शाहरुख खान, नगमा जय एक दो नहीं पूरे 18 सितारे थे। उसके बावजूद फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। 1993 में आए किंग अंकल, उस वक्त की फिल्म है जब शाहरुख खान का करियर परवान चढ़ चुका था। हालांकि अभी उन्हें सुपरस्टार का तमगा मिलना बाकी था। इस फिल्म में सबसे बड़े सितारे थे जैकी श्रॉफ, उनके अपोजिट अनु अग्रवाल कास्ट की गई थी। इसके अलावा शाहरुख खान और नगमा की भी जोड़ी फिल्म में देखने को मिली थी। फिल्म में परेश रावल, देवेन वर्मा, सुष्मिता मुखर्जी और पूजा रूपारल भी अहम भूमिका में नजर आए थे। राकेश रोशन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, जो कोयला, क्रिश सीरीज की फिल्में और कहो ना प्यार है जैसी मूवीज के निर्देशन को लेकर जाने जाते हैं। लेकिन न सितारों का करिश्मा काम आया और न राकेश रोशन का डायरेक्शन कमाल दिखा सका और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। IMDb ट्रिविया के मुताबिक किंग अंकल में मेकर्स अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन कुछ कारणों से फिल्म नहीं कर सके। दरअसल सुपरस्टार खुदा गवाह के हिट होने के बाद राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने जैकी श्रॉफ का नाम सुझाया, जबकि शाहरुख खान इस फिल्म को बिग बी की वजह से ही करने को तैयार हुए थे। उनके न होने पर शाहरुख खान ने भी फिल्म छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन राकेश रोशन राजी नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें ये फिल्म करनी पड़ी।